मैं डॉक्टर शलभ अग्रवाल, गीतांजलि मेडिकल कॉलेज उदयपुर में कंसल्टेंट इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। आज हम बात करेंगे हाइपरटेंशन अर्थात उच्च रक्तचाप एवं इससे होने वाले दुष्परिणाम तथा उनकी रोकथाम के विषय में। जैसा कि अधिकांश लोग जानते हैं, हाइपरटेंशन एक साइलेंट किलर है अर्थात अधिकतर केसेस में कोई लक्षण नहीं आते और ये अंदर ही अंदर हमारे शरीर के मुख्य अंगों जैसे हृदय एवं धमनियाँ, किडनीज, मस्तिष्क एवं हमारे नेत्रों को डैमेज करता रहता है। उच्च रक्तचाप की वजह से हृदयाघात, लकवा एवं किडनी डैमेज जैसी गंभीर समस्याएं जन्म ले सकती हैं। मोटापा, सीडेंट्री लाइफस्टाइल, नमक एवं जंक फूड का अत्यधिक सेवन, अल्कोहल, स्मोकिंग अथवा तंबाकू वाले पदार्थों का सेवन आदि कुछ ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से यह गंभीर समस्या जन्म लेती है। हालांकि अधिकांश केसेस में हमें कोई अपेरेंट कारण नहीं मिल पाता और हम इसे एसेंशियल हाइपरटेंशन की संज्ञा देते हैं। नियमित रूप से अपने ब्लड प्रेशर की जांच कराकर हम इस साइलेंट किलर को अर्ली स्टेजेस में पकड़ सकते हैं। जीवन शैली में सामान्य से बदलाव जैसे नियमित रूप से व्यायाम करना, जंक फूड अथवा नमक के सेवन से परहेज रखना, स्मोकिंग, तंबाकू एवं अल्कोहल से बचाव आदि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको अपने जीवन शैली में लाकर हम इस साइलेंट किलर को प्रिवेंट कर सकते हैं। और यदि हमें यह बीमारी हो गई है अर्थात हमें ब्लड हाइपरटेंशन डायग्नोस हो गई है तो नियमित रूप से अपने चिकित्सक से परामर्श एवं नियमित रूप से दवाइयों के सेवन द्वारा हम इसको कंट्रोल करके इससे होने वाले लॉन्ग टर्म दुष्परिणामों से बचाव कर सकते हैं।